नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं मेवालाल चौधरी, लेकिन मेवालाल चौधरी के नाम आने के बाद से ही बिहार में सियासत गर्मा गई है। तमाम लोग उन पर प्रहार कर रहे हैं, विशेषकर विपक्ष के लोग भी उन पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि मेवालाल चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। 16 नवंबर को जब मेवालाल चौधरी ने बिहार में मंत्री पद की शपथ ली और आज जब उन्हें शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया, तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ दास, उन्होंने एक पत्र लिखा है बिहार के डीजीपी को। उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में तमाम गंभीर बातें मेवालाल चौधरी के बारे में बताई गई है और जांच की बात भी कही गई है। दरअसल मेवालाल चौधरी जो हैं वह 2010 से 2015 में सबौर विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय जो है, वहाँ के वाइस चांसलर थे और इस दौरान उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे। जूनियर वैज्ञानिक के नियुक्ति में धांधली के आरोप लगे थे, उसमें घोटाला किया गया था, भवन निर्माण में घोटाला किया गया था और इस मामले को लेकर बिहार सरकार की काफ़ी छिछा लिदर हुई थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उस दौर में जांच करवाई। 2017 में यह जांच शुरू हुई थी, निगरानी अन्वेषण जो है उसने जाँच किया था और जाँच सही पाया गया था, जिसके बाद 2017 में उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। आईपीसी की धारा, कई धारा उन पर लगाई गई थी और एडीजे वन में इस मामले की सुनवाई भी चल रही है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर कई बड़े आरोप जो मेवालाल चौधरी को लेकर लगाए जा रहे हैं, उसमें एक और बड़ा आरोप ये है कि 2019 के 27 मई को मेवालाल चौधरी की पत्नी नीता चौधरी जो है अपने आवास पर बुरी तरीके से जल गई थी और 2 जून 2019 को उनका निधन हो गया था, जिसके मामले को लेकर, इस मामले को लेकर अब पूर्व आईपीएस ने यह अंदेशा जताया है कि इसमें पूरी तरीके से मेवालाल चौधरी का हाथ है। दरअसल वो जल के मरी नहीं थी, बल्कि उन्हें जलाकर मारा गया था, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से मेवालाल चौधरी पर ही ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। तो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं मेवालाल चौधरी और मेवालाल चौधरी को लेकर कई तरह के गंभीर बातें जो हैं वह सामने आ रही है और अब यह जो लेटर सामने आया है, ये लेटर जो डीजीपी को लिखा गया है, जांच की मांग की जा रही है, कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि मेवालाल चौधरी एक दिन पहले ही शपथ उन्होंने लिया है और उसके बाद उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है बिहार में शिक्षा विभाग की, लेकिन उन पर कई गंभीर आरोप जो हैं वह लगे हुए हैं, उन पर कई मामले चल रहे हैं, जो नियुक्ति घोटाला है वो भी आरोप उन पर लगे हुए हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर तमाम लोग उन पर प्रहार कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बटन हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।